hello students i welcome you all to today's session i hope everybody is doing perfect at their places so students the chapter that we are going to read about today is fables of aesop yani ki aesop ki kuch stories by kuch parts liye gaye hai.

सोने के अंडे देती थी तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है ग्रीड ऑफ टेन डिस्ट्रॉइज वट यू हैव क्योंकि इसमें एक फार्मर था जिसको लगा कि ये सोने के अंडे देगी तो इसे बेच कर मैं अमीर हो जाऊंगा लेकिन उसके बाद जो सर्कम हुए उसके पास जो उसके पास था भी जो वेजिटेबल्स का वो सेलिंग uh, करता था उसमें भी उसको नुकसान हो गया नंबर टू द वुड मैन एंड द सर्पेंट द वुड मैन एंड द सर्पेंट स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है नो ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द विकेट यानी कि इसमें जब एक विकेट इंसान ने किसी की हेल्प करी तो उसने कोई ग्रैटिट्यूड शो ही नहीं करा इसका मतलब है कि कभी कभी हम ऐसे इंसानों की ऐसे लोगों की हेल्प कर देते हैं जो हमारी हेल्प डिजर्व ही नहीं करते क्योंकि वो कोई ग्रैटिट्यूड यानी कि कोई थैंकफुलनेस होती ही नहीं है उनमें नंबर थ्री द फॉक्स एंड द ग्रीप्स तो इस स्टोरी से हमें देखने को मिलता है इट इज ईजी टू डिस्पाइज वट यू के नॉट गेट यानी कि जो चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं और साथ ही साथ वो चीजें हासिल करना हमें लगता है कि बहुत ही ईजी है नंबर फोर द एस इन द लाइन्स स्किन यानी कि इस स्टोरी से हमें देखने को मिलता है अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव यानी कि किसी को देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा इंसान किस प्रकार का है नंबर फाइव द वुल्फ इन शीप्स क्लोदिंग इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है फाइन क्लोथ्स में डिसगाइ बट सिली वर्ड्स शो अ फूल यानी कि अच्छे कपड़े अगर किसी ने पहने हैं तो वो हमें अपनी पर्सनालिटी से फर्स्ट प्लेस पे तो अट्रैक्ट कर सकता है कि हाँ ये इंटेलिजेंट है स्मार्ट है लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगा समझ में आ जाएगा कि वो सच में स्मार्ट है या नहीं है नंबर द आंट एंड द ग्रास हॉपर द आंट एंड द ग्रास हॉपर स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है इट इज़ द बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द डेज ऑफ नेसेसिटी यानी कि इस स्टोरी में जो ग्रास हॉपर था वो पूरी की पूरी आराम से बैठा रहा कुछ नहीं करा लेकिन जो आंट थी वो मेहनत से अपने घर में खाना धीरे धीरे करके जमा करती रही ताकि सर्दियों में उसको दिक्कत ना हो तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जरूरत के टाइम के लिए एडवांस में ही हमें चीजें प्रिपे रखनी चाहिए नंबर सेवन द क्रो एंड द पिचर इससे हमें सीखने को मिलता है लिटिल बाय लिटिल डज द ट्रिक यानी कि इसमें एक कौवा था जिसके सामने एक घड़ा था जिसमें पानी कम था कौवे को प्यास लगी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें से पानी निकाले कैसे तो उसने धीरे-धीरे एक-एक कंकड़ उसमें डालकर पानी का लेवल बढ़ाया और अपनी प्यास बुझाई तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे हर एक प्रोसेस को फॉलो करते-करते कोई भी काम हम आराम से अचीव कर सकते हैं नंबर 8 द लायन एंड द माउथ चूहे और शेर की कहानी इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है लिटिल फ्रेंड्स में प्रूव टू बी ग्रेट फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स लाइन इन द माउथ स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते है, irrespective of their physique, हैं इ रिस्पेक्टिव ऑफ देर फिजिक वो छोटे हैं हमसे स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है वो हमारी हेल्प किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं नॉलेज कॉर्नर Aesop was an ugly little slave in ancient Greece, but people liked him because he told amusing stories. They were fables or stories with. मॉरल्स तो एसोब जो था वो एंशियंट ग्रीस में रहता था और बहुत ही एक अगली इंसान था लेकिन वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अम्यूजिंग स्टोरीज सुनाता था इन स्टोरीज को फेबल्स नाम दिया गया क्योंकि ये छोटी छोटी स्टोरीज थी जिनके एंड में हमें कोई ना कोई मॉरल यानी कि सीख मिलती थी तो स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसमें हमने कुछ फेमस फेबल्स और साथ ही साथ उससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी जाना इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहना आपके लिए इम्पोर्टेंट है